जय श्री कृष्ण। हम देख रहे थे कि राज दरबार में विद्वत मंडली का अध्यक्ष स्वामी जी के पास आकर चर्चा करता है। उन्होंने हर तरह से समझाने की कोशिश कर ली, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। फिर वह विद्वान कहता है, अच्छा आप बताइए, आपके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए? अभी कुछ दिवस मेरे पास पर्याप्त समय है। बोले, आप पूजा पाठ आदि में क्या करते हैं? वह कहता है, प्रातःकाल सूर्योदय पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात सूर्योपासना, कतिपय यौगिक क्रियाएं, मंदिर जाकर इष्ट दर्शन, देवी आराधना करना मेरा दैनिक नियम है। ये कुछ जप आदि, हाँ गुरु प्रदत्त मंत्र की एक माला जपता हूँ। यो तो समस्त ध्यान ग्रंथ पठन पाठन पर ही केंद्रित रहता है। स्वामी जी बोले, प्रभु नाम के कुछ माला और जप सकें तो अच्छा है। यो तो प्रतिपल प्रभु स्मरण बना ही रहता है, इसलिए पृथक रूप से नाम जपने की आवश्यकता रहे ही नहीं जाती। स्मरण तो जप से भी श्रेष्ठ है। स्वामी जी बोले, एक बात बताइए, यदि वक्ता कोई बात कह रहा हो और श्रोता पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो इसका कारण क्या है? या तो वक्ता में पात्रता नहीं है या फिर श्रोता में नहीं है। हाँ ये भी संभव है कि दोनों ही मूर्ख हों। स्वामी जी बोले, यहाँ हम दोनों में से कौन मूर्ख है? यहाँ तो मूर्खता का प्रश्न ही नहीं है। आपके पास यह भगवा वस्त्र है जो विद्वता का द्योतक है, और मैं स्वयं के विषय में क्या कहूँ। आपको तो ज्ञात ही है कि विद्वत मंडली ने सहर्ष अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरा चयन किया है। अच्छा आज तो मैं अनुमति चाहूंगा, इस राज्य के कुलगुरु के निवास स्थान पर भोजन का निमंत्रण है। जाना भी आवश्यक है क्योंकि हमारे राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। बोले, परंतु प्रभु चर्चा से तो आपको विशेष लगाव है, निसंदेह, किंतु वहां भी तो यही चर्चा होगी, और फिर संसार भी प्रभु का ही है, आप तो भली भांति इससे परिचित हैं। जी, विद्वान चला गया। अगले दिन दो और लोगों को ले आया। स्वामी जी से बोला, ये दोनों भी मेरे परिचित हैं, उच्च कोटि के विद्वान हैं, आपको इनसे मिलकर प्रसन्नता होगी। किसी भी श्लोक की इतनी सुंदर मधुर व्याख्या करते हैं कि स्वयं महाराज राजाचार्य भी विस्मित रह जाते हैं। स्वामी जी बोले, यहाँ हमें कोई व्याख्या आदि तो करनी नहीं है, फिर आपका इन्हें यहाँ लाने का कोई अन्य ही प्रयोजन होगा। पहला बोला, प्रयोजन तो कोई विशेष नहीं, आपके दर्शनार्थ हम आ गए। इनसे वो जो विद्वान यहाँ आते थे, ज्ञात हुआ कि आपके सान्निध्य में विशेष ज्ञान लाभ कर रहे हैं, तो हम भी उत्सुकतावश यहाँ आ गए। आश्रम तो अति मनोरम है। स्वामी जी ने कहा, उधर मंदिर भी है, आप दर्शन कराइए। दूसरा बोला, कुछ आपसे चर्चा हो जाए, तत्पश्चात दर्शन भी कर लेंगे। स्वामी जी ने विद्वान से कहा, देखिए हमारी चर्चा से न आपको कोई लाभ हो रहा है न मुझे, फिर हम क्यों समय व्यर्थ कर रहे हैं? लाभ तो हो ही रहा है, आप तो कुछ सुनाइए। स्वामी जी बोले, ये मनुष्य जीवन व्यर्थ समय व्यतीत करने के लिए या मनोरंजन के लिए नहीं है, यह ईश्वर भक्ति के लिए है। पहला व्यक्ति बोला, आप यथार्थ बात कह रहे हैं, इसीलिए श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। यही तो सार है, प्रभु भक्ति में ही जीवन व्यतीत होना चाहिए। और भक्ति का निरूपण उन्होंने कितने सरल तरीके से किया है कि मन मना भव, मुझ में मन वाला हो, मद भक्तो मेरा भक्त हो, मद्याजी मेरा पूजन कर, माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार कर। अर्थात पूजन एवं नमस्कार की क्रिया में तन का समर्पण, मन मना प्रभु में मन वाला होने में मन का समर्पण, और मद भक्तो प्रभु भक्त होने में जीवन का समर्पण स्वतः हो जाता है। दूसरा बोला, यही बात जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने भी कही है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुक्रिं करणे। अर्थात बीच में ही बात काट कर बोले, बस कीजिए, इन्हें रटते रहने से कुछ नहीं होगा, इनकी लच्छेदार व्याख्या करने से कुछ नहीं होगा, जीवन में उतारना तो है नहीं, बैठे बैठे अपनी बुद्धि को संतुष्ट करना है आपको, जनता को आकर्षित करना है, राजा का मन बहलाकर द्रव्य इकट्ठा करना है, किंतु यहाँ ना तो मैं राजा हूँ
जो आपको द्रव्य दे सकता हूँ, न जनता हूँ जो आकर्षित होकर प्रशंसा करूंगा, ना ही मेरी बुद्धि इतनी चंचल है कि इसे इन व्याख्याओं से प्रसन्न करना पड़ेगा। कोई कमी आप में है नहीं, फिर दूर होने का तो काम ही कहाँ है। किसी की बात आपको माननी नहीं, फिर सुनने से क्या फायदा। मैं ही मूर्ख हूँ जो उपदेश दे रहा हूँ, पर अब समझ गया। खड़े होकर हाथ जोड़कर वो बोले, आप पधारिए। तीनों सख पका गए। विद्वान बोला, आप सन्यासियों को कुछ भी कहने का अधिकार है। स्वामी जी बोले, मात्र सन्यासी ही भक्त नहीं है, अनेकानेक गृहस्थ भक्तों से इतिहास चमक रहा है। वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। फिर यह भी नहीं है कि सभी सन्यासी भक्त ही हों। फिर तीनों चले गए। तब एक शिष्य स्वामी जी के पास आया। वह बहुत देर से एकांत की प्रतीक्षा कर रहा था। आकर चरण स्पर्श किए। स्वामी जी बोले, क्यों भाई, आज कोई विशेष बात करनी है? गुरुदेव कुछ पूछना चाहता था। बोल। बहुत दिन से मन में विचार चल रहा है कि प्रवचन करूं, कुछ कथा आदि सुनाया करूं, या और कुछ जिससे लोक शिक्षण या जनहित का कार्य हो। बोले, खुद का हित हो गया क्या? वो बात नहीं, किंतु कथा प्रवचन करना तो अच्छा ही है। क्यों, बैठकर भजन नहीं किया जाता? आपसे जो ज्ञान मिला है उसे सभी तक पहुंचाना चाहता हूँ। तेरे अंदर नहीं बच रहा क्या? किंतु सभी को लाभ मिले तो अच्छा है। देख, मेरी बात ध्यान से सुन। तू प्यासा है, तेरी तरह यहाँ अधिकांश संसार प्यासा है। जब सबकी प्यास बुझाने की इच्छा है तुझे, तो कुआं खोद, अपनी प्यास बुझा, और कुआं देखकर प्यासे अपने आप आ जाएंगे। तुझे बुलाने नहीं जाना पड़ेगा। फिर बुलाने भी जाना पड़े तो भी कोई बात नहीं, उन्हें पिलाने के लिए पानी तो तेरे पास होगा, नहीं तो क्या पिलाएगा? उल्टा उन्हें बुलाकर गुमराह ही करेगा। इसलिए चुपचाप कुआं खोदता रहे, पानी आ जाए तब बता देना। कथा प्रवचन भी तो यही है, भगवान का ही काम है, नहीं करना। इसमें बुराई क्या है, कहा ना नहीं करना। बोला, इतने सभी महात्मा आदि कर रहे हैं, सुना नहीं तूने, नहीं करना। शिष्य चुपचाप चला गया। कुछ दिन बाद फिर कहा तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि ये सब राह में रुकावट है, किंतु वह बार बार कहता रहा, वे मना करते रहे। एक दिन वो बोला, गुरुदेव आप क्यों अनुमति नहीं देते? बोले, जा कर ले। सच कह रहे हैं, कर लूं, रुकावट तो नहीं होगी? नहीं होगी, आगे ही बढ़ेगा तू। वो चरण छूकर चला गया और आनंदित हो गया, व्यवस्था हो गई। इसके बाद आगे क्या होता है यह हम अगली कड़ी में देखेंगे। जय श्री कृष्ण।